अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के साथ आई मेकअप का ट्यूटोरियल शेयर करूंगी, जो कि सिंपल आई मेकअप से थोड़ा सा चेंज है, यानी कि आप इसे यूनिक भी कह सकते हैं। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सो हम आज का जो हमारी वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी लाइनर की जगह पे ना जेल आईलाइनर यूज़ करके और एक शेप बना लूँगी। यहाँ पर मैं जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये काजल के तौर पे भी यूज़ हो सकता है और आईलाइनर के तौर पे भी। ये बहुत ही ब्लैकिश और बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद थोड़ा सा मैं अपनी आँख के नीचे अप्लाई करके एक शेप बना लूँगी। जैसे हम लाइनर से बनाते हैं, सेम एज इट इज़ हम इसकी शेप बना लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जो मैं वो है ना जेल आईलाइनर, वो अंदर भी अप्लाई करूँगी आँख के काजल के लिए। ये बहुत ही यानी कि ब्लैकिश और बहुत अच्छा लगता है जेल आईलाइनर, और ये बहुत ही यानी कि कोई इरिटेशन भी नहीं होती आपकी आँख में इसके अप्लाई करने से। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ना जो ब्लैक शेड लगाया था ना मैंने जेल आईलाइनर, उसी के ऊपर ना यहाँ पर मैं सी ग्रीन आई शेडो यूज़ कर रही हूँ और दोनों शेड्स को अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। यानी कि सी ग्रीन और ब्लैक शेड को अच्छी तरह ब्लेंड करते करते मैंने यहाँ पर इसके ऊपर पूरा सी ग्रीन शेड अप्लाई करना है। आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करूँगी ताकि इसे मैं मिक्स करती जाऊँ ब्लैक शेड के साथ, फिर थोड़ा सा सी ग्रीन शेड अप्लाई करूँगी, फिर उसे मिक्स करते करते ये देखें हमारे पास ये लुक आ जाएगी आँख की। आप लोगों ने एज इट इज़ करना है कि हल्का हल्का दोनों शेड्स को ब्लेंड करते करते सी ग्रीन शेड को डार्क कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा जो हमने सी ग्रीन शेड अप्लाई किया था वो मैं अपनी क्रीज पे भी अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा जो मैंने यहाँ लाइनर पे अप्लाई किया था वही मैं यहाँ पर क्रीज पे अप्लाई करूँगी। एज इट इज़ पूरी क्रीज नहीं बनानी हमने, सिर्फ हाफ क्रीज बनानी हमने, ठीक है। उसके बाद इसे भी अच्छी तरह ब्लेंड कर दूंगी। फिर क्या करूंगी, सेंटर में ना मैं वाइट शेड अप्लाई करूंगी। यहाँ पर वाइट मेटालिक शेड अप्लाई कर रही हूँ मैं ब्रश से एक बेस बनाने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो पिंक ग्लिटर है ना वो अप्लाई किया है। ये जो ग्लिटर है ये डस्ट फॉर्म में है, तो ये बहुत ही यानी कि मोटा मोटा नहीं लगता, बहुत ही डस्ट की तरह होता है। ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी इससे ना शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। सो यहाँ पर मैंने पिंक ग्लिटर अप्लाई किया। पहले मैंने ग्लिटर ग्लू लगाया और उसके ऊपर ग्लिटर अप्लाई किया। उसके बाद थोड़ा सा वही ग्लिटर ग्लू मैं आँख के नीचे लगा के और उसके ऊपर वही पिंक ग्लिटर दोबारा से आँख के नीचे लगा दूंगी। उसके बाद लाइनर की प्रॉपर शेप देने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंसीलर ब्रश पे लगा के और एक जो मैंने आईलाइनर लगाया उसकी प्रॉपर शेप दे दूंगी, ताकि ये नीट लगे, फैला फैला ना लगे। इसके बाद मैं यहाँ पर आँख का इनर कॉर्नर बना लूँगी और यहाँ पर मैं मार्कर आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता है तो ये बिल्कुल भी नहीं फैलता और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी आई मेकअप लुक कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि मैंने कहा था, ये आई मेकअप सिंपल है लेकिन थोड़ा यूनिक है। सो अगर तो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो या मेरी थोड़ी सी आइडिया आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया हो ये न्यू क्रिएटिविटी का, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।